नमस्कार, एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा आज दिनांक 4/1/2021 को समस्तीपुर जिला के सराय रंजन प्रखंड मुख्यालय पर भारत सरकार द्वारा लाई गई किसानों के लिए काला कानून के खिलाफ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान यूनियन के नेता श्री विष्णु कुमार वर्मा ने किया तथा प्रखंड के राजद अध्यक्ष लाल बाबू महतो ने इसका कुशल संचालन किया। इस मौके पर किसानों ने पूर्व के 40 दिनों से दिल्ली के 6 सड़कों पर डटी किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मनोबल ऊंचा कर बनाए रखने के लिए बिहार के किसान सभा के समर्थन में उतरने का आह्वान किया। सराय रंजन से अजय कुमार के साथ राकेश कुमार, बिहार। बिहार में बाजार समिति को नीतीश बाबू खत्म कर दिए, लेकिन आज देश के अंदर में जो बड़े बड़े मंडी हैं, उस मंडी में किसान अपने किसी से उत्पादित सामानों को उस मंडी में जाते हैं बेचने के लिए, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, धान हो, तिलहन हो, दलहन हो, उस मंडी में जाते हैं बेचने के लिए। और उनको जो है सरकार द्वारा बनाई गई संविधान कानून जो 1955 में बना था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से राशन खरीद रहा है और वो सरकार मंडी में खरीद रही है, लेकिन उस मंडी को ये खत्म कर रहे हैं, मंडी को खत्म कर रहे हैं। इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश है कि मंडी जब खत्म होगा, और वैसे तो अभी भाषण में लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि मंडी हम खत्म नहीं कर रहे हैं।